तो आ गए फिर से तो स्कूल्स, एक ऐसी जगह जहाँ पे जाके तुम भूल जाओ कि तुम्हारे शरीर पर तुम्हारा जरा सा भी हक है ये लोग तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं अरे ये रा मिल क्या, मिल क्या, आ जाओ बेटा तुम्हारे बड़े हैं अरे तो तुम ना देरी क्यों कर रहे हो तो स्कूल प्रेयर में ज्यादातर लोग सिर्फ मुँह ही हिलाते हैं लेकिन उनमें से भी कुछ लेजेंडरी लोग होते हैं जो की मुँह भी ठीक से नहीं हिला पाते हैं मेरी तरह

आए दिन टीचर्स की मीटिंग होती रहती थी पता नहीं क्या करते थे ये लोग अंदर तो ये जो भोली सूरत देख रहे हो ये ये वो दरिंदा इसी ने अभी तक फीस नहीं भरी है और इसकी वजह से हमारे आज खाने के लाले पड़ रहे हैं अच्छा ये बच्चे रहे क्या? हाँ हाँ यही यही अरे लेटाओ लेटाओ इसको अरे अरे किडनी निकालो इसकी किडनी हाँ हाँ निकाल रहा निकाल रहा इसकी किडनियाँ निकाल के फीस वसूली करते है अरे उसके मुँह में कहाँ ढूंढ रहे हो अरे अरे यहाँ पे नहीं होती किडनी अरे मेरे को मालूम है निकाल रहा निकाल रहा ये री... अरे ये उसका दिल है मार डाला उस बेचारे को चलो बढ़िया आप तो पूरा शरीर बेच खाएंगे इसका हाँ? ये स्कूल वाले तुमसे तो मेहनत के नाम पे कुछ भी करवा रहे हैं हम लोग जब छोटे थे ना तो हमारे स्कूल वाले हमको से बस में घुस घुस के मार्केट ले जाते थे और वहाँ मार्केट में हमसे ये हरकत करवाते थे माइक करो करो अरे वो यार बेटा तुम तो नशा मुक्ति बंद करा रहे हो बढ़िया बढ़िया पूरे दो घंटे ये करने के बाद हमको हुआ कि हम लोग तो बोल ही गलत रहे थे हम लोग नशा मुक्ति ही बंद करा रहे थे <laughs> का मतलब कि मैम हम लोग दो घंटे से नशा करने का बोल रहे है और तो और हम लोग ये इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे की कई सारे लोग तो चालू भी हो गए थे <laughs> सही बात है सही बात बंद कर दो नशा मुक्ति तो जैसा कि तुम लोगों को पता ही है कि मैं शुरुआत से ही काफी ब्रिलियंट और एक्टिव स्टूडेंट रहा हूँ इसलिए मुझे हर बार मेरी क्लास का सम्मानित नील्स चेक मॉनिटर बनाया जाता था काफी इंटरेस्टिंग काम होता ही है इसके अंदर तुमको हर बच्चे की प्लेस पे जाके उसके नेल्स चेक करना पड़ते हैं वेरी इंटरेस्टिंग क्या है ये अरे भाई वो क्या कान साफ करना रहते ना यार ये आज तो मैम को बतानी पड़ेगी आप का, 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 है नहीं नेल से नहीं मेरे मेरी तो उंगलियां भी नहीं है देख इंटरेस्टिंग हमारे स्कूल के टीचर्स जो थे ना वो बहुत ही चालू टाइप के थे तो बच्चों कौन बनेगा इस बार क्लास मॉनिटर मैम 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 तो डिसाइड हो चुका है कि इस बार का क्लास मॉनिटर कौन बनेगा इस बार का क्लास मॉनिटर है oh <laughs> क्लास ने हाथ खड़ा कर रखा था मैं चुपचाप अपनी बेंच के नीचे अपना मुंह छुपा के बैठा हूँ फिर भी मुझे क्लास मॉनिटर बनाया गया है नहीं क्या ये ये क्या बदतमीजी है किस तरह की बदतमीजी है ये? अरे सुनो मैं कुछ बेचने आया था लेकिन यहाँ पे ये सब अलाउड जी हाँ तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वंडर शेयर डेमो क्रिएटर के बारे में इसको आप फटाफट भट जाके डाउनलोड कीजिए जा, आपको जिंदगी में मोक्ष प्राप्त हो जाएगा सब सब हो गया पैसे हाँ तो अगर तुम लोग भी मेरी तरह यूट्यूबर बनना चाहते हो बेरोजगार तो ये तुम्हारे लिए बहुत काम की चीज है यहाँ पर तुम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐसी लेकर लाइव स्ट्रीमिंग तक कुछ भी कर सकते हो और तो और तुमको यहाँ पर ढेर सारे इंटरेस्टिंग ऑप्शन भी मिल जाते हैं जैसे की अनोटेशन एनोटेशन मतलब की चलती रिकॉर्डिंग में तुम लोग हरकते कर सकते हो गाइज मेरा नाम है हाडी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन मतलब कि री प्लस प्रोडक्शन इक्वल टू रिप्रोडक्शन गाइज आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा लाइक लाइक कर दो तो अगर तुम लोग भी इस दरिंदे की तरह अपना फेस नहीं दिखाना चाहते हो वीडियोस में तो इसका भी सोल्यूशन है थ्री डी वर्चुअल तुमको बस अपना कैमरा चालू करना है हिलाओगे ये भी हिलाएगा अपना मुँह मतलब कि इसके अंदर ऑटोमेटिक बॉडी मूवमेंट और, और लिपसिंग हो जाएगा सो चेक आउट डेमो क्रिएटर लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन तो हमारे स्कूल के टीचर्स की कुछ अलग ही फैटिशे थी एक खडूस सर थे हमारे स्कूल में पता नहीं कैसे पर इन सर को बोर्ड रफ करवा के जिंदगी के सारे मजे मिल जाते थे कितना सुंदर है यार अरे हाँ ठीक से करो बोर्ड रफ हाँ नहीं क्या मजे आ रहे तुमको ये देख के एक बात और हमारी क्लास की गर्ल्स बहुत ही दयालु थी उन सर के बर्थडे पे इन लोगों ने पूरे दो पीरियड लगा के बोर्ड की सजावट करी थी ये लोग उस खड़ूस को सरप्राइज देना चाहते थे ये देख के सर कितने हैप्पी हो जाएंगे ना मेरे तो सोच सोच के हंसी आ रही है <laughs> बिल्कुल देखने लायक होगा उनका रिएक्शन <laughs> और जैसे ही वो खडूस सर क्लास में एंटर किए पूरी क्लास खड़े होके यू बस हो गए तुम सबके नाटक खत्म अब चुपचाप बैठ जाओ और कॉपियां निकाल लो और ये सबसे पहले बोर्ड रफ करो या रंगोली कॉम्पिटिशन नहीं चल रहा है सर ने वो बोर्ड ठीक से देखा तक नहीं वो रात बुंदो बजे तक हंसा सर कितना हैप्पी हो जाएंगे ना <laughs> <laughs> वैसे बचपन से ही मैं काफी वफादार स्टूडेंट रहा हूँ पता नहीं क्यों मुझे समाज सेवा का बहुत शौक था तो मैं अपनी क्लास में बिल्कुल आराम से बैठा हुआ किसी चीज की कमी नहीं है लेकिन उधर तो लड़कियों के पास बेंच नहीं है इसलिए मेरे अंदर का समाज सेवक जाग उठा और अरे तुम लोग आराम करो मैं लेके आता हूँ बेंच तो मैं बिना कुछ सोचे समझे दौड़ दौड़ के ग्राउंड फ्लोर पे गया और वहाँ से बेंच उठा के लाया जबकि वो बेंच मेरी थी भी नहीं समाज सेवा अरे और जैसे ही मैं ऊपर अपनी क्लास में पहुंचा ये 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 कहाँ से लाए तुम ये पास वाले ग्लास में से वही से ही तो लानी थी आ, न, 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 न। हाँ बहुत खतरों की खिलाड़ी बनना है ना इनको नीचे ग्राउंड फ्लोर से बेंच उठा के ला रहे इतना ही मजदूरी करने का शौक चढ़ रहा है तो फिर वो मानसिंह भैया के साथ तो मेरी कुछ ऐसी हरकतों की वजह से मैम को रियलाइज हो चुका था कि मैम ने मुझे क्लास मॉनिटर बना के जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है इसलिए मैम ने मुझे क्लास मॉनिटर के पद से लात मार के निकाल दिया और फिर मुझे बनाया गया डस्टर मॉनिटर यह भी काफी रेस्पेक्टेड काम होता है जिसमे तुम्हे छुट्टी होने के बाद अपनी क्लास का डस्टर सही सलामत घर ले जाना रहता है और अगले दिन उसी डस्टर को वापस से सही सलामत क्लास में लाना रहता है सिंपल तो मैं डस्टर घर पे ले गया सही सलामत और एक हफ्ते की छुट्टी मनाने चला गया बिचारे उन लोगों ने हफ्ते भर तक कागज से बोर्ड किया था और फिर जब मैं एक हफ्ते बाद स्कूल गया उड़े उड़े में खावो के अधे। 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 मैं ये लो डस्टर। अरे वाह बेटा थैंक यू मैम फिर मैं वो डस्टर को वॉशरूम में ले गया धोने के लिए और मैंने पूरी शिद्दत से धोया इसीलिए उस डस्टर की गद्दी निकल गई फिर वो खाली लकड़ी का टुकड़ा लेके गया मैं मैम के पास हंसते हुए मैम ये दफ्तर सही सलामत